जुआ एक महापाप है, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा क्या जुए की श्रेणी में आता है? यह बात समझनी बहुत जरूरी है। और हकीकत बात यह है कि शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा जुए की श्रेणी में नहीं आता। वहां एक सरकार बैठी है जिसने उसको लाइसेंस दिया है। जैसे एक साहूकार को लाइसेंस देती है गवर्नमेंट कि आप ब्याज पे पैसा चला सकते हैं, जिसको हुंडी बोलते हैं। साहूकारी ब्याज होता है उसका, उसके पास लाइसेंस होता है, ही कैन टेक ब्याज, वो ब्याज ले सकता है, और वो ब्याज जो वो लेता है वो उसके लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन वही दूसरी ओर जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है और वो पैसे के लालच में 3%, 4%, 5%, 6% पे व्यापार कर रहा है, ब्याज का काम कर रहा है, तो वो अनैतिक है, वो पाप है, और वो कमाई उसके जीवन को धीमे धीमे गला देगी। शुरू में तो लगता है ब्याज का पैसा आ रहा है, लेकिन दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई पैसा है तो ब्याज का पैसा है। लेकिन वही ब्याज खतरनाक कब नहीं होता? जब वो लाइसेंस्ड हो जाता है। जैसे सरकार ने बैंकों को अधिकृत कर दिया, लाइसेंस दे दिया, और बैंकों से जब हमें ब्याज मिलता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन हम अनैतिक रूप से किसी को पैसा देकर ब्याज ले रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हम लाइसेंस नहीं है। इसी तरीके से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही लाइसेंस्ड है, और ये व्यापार का एक तरीका है, तो ये गलत नहीं है जहां वो बैठे हैं। अब देखो इसको और गहराई से देखते हैं। आपने सुना होगा कि पांडवों ने जुआ खेला और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि साहब पांडवों ने भी तो गलत किया था, एक स्त्री को दांव पर लगाया जाता है क्या? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन उतने ही गलत हैं जितनी गलत ये जानकारी है, उतने ही गलत भी हैं जितनी गलत ये जानकारी है। पांडव जुआ खेलना नहीं चाहते थे। पांडवों को आदेश दिया था गद्दी पर बैठे हुए राजा ने, और राज्यसभा में राजा के सामने वो कार्य हो रहा है, तो जब राजा आदेश दे रहा है तो जिम्मेदारी फिर पांडवों की नहीं बनती, फिर राजा के ऊपर दोष जाएगा, क्योंकि राजा का आदेश है और राजा सबसे बड़ा है। दूसरी बात, वो राष्ट्र है और वो कहीं ना कहीं पांडवों के पिता स्वरूप भी हैं, क्योंकि पिता नहीं रहे तो अब वही पिता हैं। तो जो बड़े हैं, जो पिता है, अर्थात जो हमारे बड़े हैं, वो हमसे गलत भी करवा रहे हैं, तो उस गलत का पाप हमें नहीं मिलने वाला, गलत का पाप उन्हें मिलेगा। हमने तो मना किया नहीं करेंगे। द्रौपदी की भी चर्चा जो आती है, द्रौपदी को दुर्योधन ने अपने मुंह से बोला, पांडवों ने तो नहीं कहा था, और उसके लिए राजा कह रहा है हाँ हाँ हाँ, तो वहां भी पांडव बच गए। इसलिए पांडवों को किसी भी रूप से इस बात का पाप नहीं लगा, क्योंकि पांडवों ने किया ही नहीं था, ये तो उस राजा ने और उस सभा ने किया था, सबको दंड मिला। साधुवाद।